हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज़ निधि. और अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और एक छोटी सी बेल बनी होगी उस लाल सब्सक्राइब बटन के जस्ट बाजू में, तो उसको ज़रूर हिट कीजिएगा. अदरवाइज़ मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगी और आपको पता ही नहीं चल पाएगा, तो इसलिए घंटी ज़रूर बजाए. आज का जो वीडियो है वो है बाथरूम एम्प्टीज, लाइक नॉट बाथरूम एम्प्टीज, बेसिकली एम्प्टीज. और आई थिंक आई हैव डन दिस वीडियो रियली लॉन्ग टाइम बैक, ऑलमोस्ट एक साल पहले. तो आई थॉट कि अभी जमा हो गया है, मतलब इतना जमा हो गया है. सो आई थॉट तो आई हैव कलेक्टेड ऑल दोज थिंग्स, और मे बी मिनी रिव्यू काइंड ऑफ वेदर आई विल रीपर्चेज देम और नॉट कर लिया जाए. और इफ़ यू आर वंडरिंग कि वाई नो मेकअप, वाई नथिंग, इट्स बिकॉज थोड़ा सा रेस्ट देना चाह रही हूँ अपने फेस को. आई हैव बिन पुटिंग ऑन सो मच ऑफ मेकअप ऑन माई फेस दैट आई जस्ट फेल्ट लाइक कि अभी थोड़ा सा आराम करना चाहिए, स्किन को थोड़ा सा रेस्ट करने देना चाहिए. तो इसलिए थोड़े दिन अब आपको थोड़े से ना स्किन केयर के वीडियोस हो सकता है देखने को मिले. एंड इफ़ यू न्यू ऑन माय चैनल, तो देर इज़ अ गिव अवे रनिंग ऑन वेयर यू कैन विन अ कंप्लीट मेकअप किट. या जस्ट गो एंड पार्टिसिपेट इन दैट गिव अवे. आई विल लीव द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड या, और दूसरी चीज़, आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक इट वेरी क्लियर, लाइक आई गॉट अ कॉमेंट सेइंग दैट कि डाबर गुलाबरी एंड ब्लू हेवन का आई शेडो आई यूज, लाइक आई शोड देम इन माई रिग्रेट्स वीडियो, एंड देन मैं उसको रिकमेंड कर रही हूँ अपने अफोर्डेबल मेकअप किट में. गाइस, बैक देन मैं पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी, बट देन आई स्टार्टेड, लाइक आई डिड अ बिट ऑफ रिसर्च ऑन माई ओन, एंड आई फाउंड आउट दैट देर इज़ नो एविडेंट प्रूफ सेइंग दैट पैराबेन्स आपकी स्किन को हार्म करते हैं. एंड प्लस आई हैव बिन यूजिंग अदर प्रोडक्ट्स विच हैव पैराबेन्स. 175 रुपये, 175 रुपीस के अंदर के जो प्रोडक्ट्स हैं, हाउ कैन यू इवन थिंक कि वो पैराबेन फ्री होंगे. सो व्हेन आई एम यूजिंग पैराबेन इंक्लूडेड प्रोडक्ट्स, सो आई एम शोइंग दोज प्रोडक्ट. बैक देन आई वॉजेंट यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स, आई शोड देम इन माई रिग्रेट्स वीडियो. एंड अबाउट द ब्लू हेवन आई शेडो, आई सेड दैट इट्स अ लव हेट रिलेशनशिप, बिकॉज आई रियली लाइक द पिगमेंटेशन ऑन दैट आई शेडो, बट उसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग है. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स उसकी स्मेल चली गई है, सो आई कैन यूज दैट. एंड नॉट ओनली यूजिंग इट, आई हैव बीन क्रिएटिंग लुक्स आउट ऑफ इट. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू क्लियर दैट आउट. इट्स नथिंग हेट अबाउट इट, इट जस्ट आई डू रीड योर कॉमेंट्स and I do feel that I owe an explanation about certain things. So इसीलिए I just felt like there is no hate, no negativity about this. It's just that I wasn't using something back like a year ago which I have started using now, because I just felt like there is no point of this whole paraben thing. It might be harming your skin, but then you cannot get away from it, क्योंकि almost हर product के अंदर paraben होता है. And if you talk about affordable products, so isiliye, it's just that I just owe an explanation about that to you. And let's get started with today's video, क्योंकि मैं इस video को like 1000 साल लंबा नहीं बनाना चाहती. Let's just get started really soon. Okay, so the first product is this Dabur Gulabari Rose Face Cleanser. ये cleanse करता है, moisturize करता है and refresh करता है. That's what it says. I think I finished. Like last video में भी I showed a bottle, and ये वाली video में भी I'm showing this bottle because I just recently finished it up. क्योंकि ये पड़ा हुआ था and I had to finish it up. So really honest, lipstick remove करने के लिए ये बहुत अच्छा है. Now again, this does have paraben, so if you are somebody who doesn't use paraben, like if you are somebody who uses paraben free products, तो I think ये आपके लिए नहीं होगा. But I just finished it up and I think it is pretty good to take off your makeup and everything. Price इसकी है 85 rupees. If I find it anywhere, I would surely repurchase. Purchase it. और ये bottle एक्चुअली बहुत अच्छी है. सो सम ऑफ़ यू गाइज हैव बिन आस्किंग मी, मेरे लाइक कुछ वीडियोज़ में आई यूज़ दीज स्प्रे बॉटल्स, वेयर डू दे कम फ्रॉम. सो एक्चुअली दीज आर दीज स्प्रे बॉटल्स. सो या, आई फिनिश्ड अप दिस. नेक्स्ट इज नॉट टू फॉरगेट दी पतंजलि का एलोवेरा जेल. ये शायद और एक दो बॉटल्स निकलेंगे इसमें से, बट या आई फिनिश्ड दिस अप एज वेल. ये 150 ml का है और इसका प्राइस शायद 85 rupees है. Yeah, this is my absolute favorite aloe vera gel. So I am just running out of another one. So surely gonna purchase this. There's like nothing to say anything about it. I'm surely gonna purchase this. Then there are a few makeup removers. One is the Bioderma Sensibio H2O, and the other one is ADS
makeup remover. So I gave up on my Maybelline because that was a bit expensive. वो 220 का आता है, ये 120 का आता है, तो I started using this one. Packaging wise same है, काम भी almost same करता है, सब कुछ same है, so why not this? And ये तो obviously not to mention बहुत अच्छा है ही, but इससे ना waterproof makeup नहीं remove कर सकते, and this is very expensive. ये जो bottle थी वो शायद 250 ml की है और ये 800 rupees की मिली थी मुझे, या 890 rupees. सो दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव बट इट इज़ वेरी जेंटल ऑन योर स्किन. तो इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन यू कैन यूज़ दिस, बट वाटर प्रूफ मेकअप इससे रिमूव नहीं होगा. दिस टेक्स ऑफ एवरीथिंग ऑफ योर स्किन, एवरी डैम थिंग. सो या एक और ऑलरेडी मैंने रख लिया है अपने बेसिन पे, बट करंट लाइक आई थिंक दिस इज़ रियली गुड फॉर द प्राइस दैट यू पे. दिस इज़ अमेजिंग. Then I, as I told you, I was using Maybelline makeup remover, so I have this one as well, which I emptied out, but I no longer buy this because that is like 100 rupees more than what I pay for ADS one. But it is pretty good if you want to, if you don't want to buy the ADS one because it's from ADS, you can go for Maybelline as well. As I told you, I have another tube of Patanjali aloe vera gel, so you guys already know how much I love it, right? Next I have is the White Rose Under Eye Gel from Nature's company. I haven't finished it up and it just expired, so I'm just throwing it away. It's for under eye puffiness or dark circles ko remove karne ke liye hai, but I think itna amazing nahi hai because this retails for 395 rupees aur isme aapko milta hai sirf how much is this, sirf 20 ml product for 395 rupees. I think it is quite pricey aur itna isne matlab maine kiya hai jab maine ye kharida tha like 2 years ago. I did a video on this aur in that video as well maine bola hai ki this doesn't work that well, aisa kuch puffiness under eye dark circles remove nahi karta hai. So yeah, I was not quite happy about this. I won't buy this again because abhi yehi nahi finish kar payi main aur expire ho gaya, socho aap. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है अगेन मेरा एक फेवरेट प्रोडक्ट है और मैं इसको अब मतलब नॉट टू मेंशन मैं इसको रीबाय करती रहूँगी, इज़ दी रोगन बादाम श्रीन. दिस इज़ द 100% प्योर आलमंड ऑयल फ्रॉम हमदर्द और ये मिलता है 385 rupees का 100 ml. आलमंड ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन, मतलब अगर आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन वाले मत छूना बिकॉज ये बहुत गर्म तेल होता है, आपको पिम्पल्स ज़रूर हो जाएंगे इससे, बट ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए इट इज़ अमेजिंग. इसमें स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्किन को लाइटन करती है, डार्क सर्कल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है और अमेजिंग होता है ये. तो आप इसको बालों में लगाइए, आप अपने स्किन पे लगाइए, यू कैन यूज़ इट फॉर वॉट एवर पर्पज़ यू वॉन्ट टू यूज़ इट. अगर आप ऑयल क्लेंजिंग करते हो, मतलब आप अपना फेस ऑयल से क्लीन करते हो, फॉर ड्राई स्किन इट्स रियली गुड थिंग. तो अगर आप ऑयल क्लेंजिंग करते हो, दिस इज़ अ रियली गुड ऑयल. तो इस सन टैन रिमूव करेगा, डार्क सर्कल्स रिमूव करेगा, आपकी स्किन को लाइटन करेगा. तो आई एम श्योरली गोना बाय दिस. नेक्स्ट एक्चुअली मेरे पास दो प्रोडक्ट्स हैं सेम ब्रांड के, तो मैं एक साथ ही दिखा देती हूँ. तो दीज आर दी अयूर हर्बल एस्ट्रेंजेंट लोशन एंड द स्किन टोनर. ये जो है मेरे को बहुत पसंद नहीं आया, 50 rupees का आता है ये, अब आई थिंक 60 rupees का हो गया होगा. दिस वन इज़ फॉर 50 rupees और इसमें है आपको शायद 100 ml मिलता है, या 100 ml ऑफ प्रोडक्ट है. मेरे को ये पसंद इसलिए नहीं आया था बिकॉज इसमें हाई अल्कोहल कंटेंट है, दैट गेट्स इन टू माई नोज एंड आईज, माई आईज स्टार्ट टू बर्न, लाइक उसकी फ्रेग्रेंस से ही मेरी आंखें जलने लग जाती हैं. So that is the only reason I don't use it anymore. मैंने शायद एक या दो ही बार इसको इस्तेमाल किया था. This one is for all skin type, but अगर आपको उस चीज़ से इशू नहीं है कि इसमें अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा है और आपकी आईज़ या नोज़ में बर्निंग सेंसेशन होती है उसकी वजह से, then you can totally buy this. ऐसा कोई स्किन पे हार्मफुल इफेक्ट नहीं था, इट्स जस्ट दैट इट इज़ टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, दैट्स द ओनली रीज़न आई डिड नॉट यूज़ इट एंड आई विल नॉट परचेज दिस. द नेक्स्ट वन इज़ द अयूर हर्बल एस्ट्रेंजेंट लोशन. आई लव दिस थिंग. मतलब जैसे आप बाहर से आओ, इसको कॉटन पैड पे लेकर के जस्ट क्लीन योर फेस, इट विल टेक ऑफ एवरीथिंग, सब सारी गंदगी, एवरीथिंग, डर्ट एंड गंग, सब कुछ आपके चेहरे से ये रिमूव कर देगा. दिस वन इज़ फॉर 40 rupees फॉर 100 ml और मेरे ख्याल से ये इसमें भी अल्कोहल कंटेंट है, बट इट इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एज दिस वन. सो आई प्रेफर एस्ट्रिंजेंट. दो कहते हैं ड्राई स्किन के लोगों के लिए एस्ट्रिंजेंट इज़ नॉट गुड, दे शुड गो फॉर टोनर, बट आई स्टिल प्रेफर कि मुझे ये एस्ट्रिंजेंट पसंद है टू जस्ट टेक ऑफ ऑल द डर्ट एंड गंग फ्रॉम माई फेस. ये आई माइट रीपरचेज, बट सिंस आई एम यूजिंग अनदर वन लाइक from Blue Heaven, so right now I am not going to purchase this. I know ये थोड़ा सा बचा हुआ because ये expire हो गया. I don't use it very frequently, like हफ्ते में 2 या 3 बार because I don't go out that much. So 2 या 3 बार ही use करती हूँ. So yeah, ये हाँ, I might just purchase this once again.
Next I have is a brush. I've put it into the empties one because it has started shedding on me. ये एक generic brush है, I think मैंने Amazon से ख़रीदा था. Even I do sell these were amazing. ये शायद मेरे पास 2 साल से है, but now it has started to shed off. Amazing brush था ये, when like जब मैं इसको use करती थी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि ये एक stippling brush है, इससे आप foundation blend कर सकते हो या फिर अपना bronzer या ब्लश भी लगा सकते हो. यू नो, ब्रशेस तो कैसे भी यूज़ कर सकते हो आप. तो ये मैं सर्टेनली रीपर्चेज करूँगी. आई हैव अनदर वन नाउ इन पिंक. आई रियली लाइक द होल पैकेजिंग ऑफ इट. ये वाइट हैंडल और सब कुछ बहुत स्टर्डी है, सब कुछ बहुत अच्छा है. सो सर्टेनली गोना परचेज दिस वंस अगेन. I have is a foundation and it is the L'Oreal Paris Ideal Balance Foundation. अब I don't know अगर ये असली है या नकली है. I really don't know if it is fake or real. But I did buy this around 5 years ago and then I think I have used it only 2 or 3 times and it has expired and that is the only reason I'm throwing it away. This was an amazing match for my skin. मतलब perfect match जैसे कहते हैं ना, अब तो perfect match था ये. इसमें SPF 10 भी आता है and I think I bought it for 450 rupees. But again, real है कि fake है I don't know. But the foundation was really good. Full coverage था और बहुत अच्छा था ये फाउंडेशन. बेसिकली रियली फील बैड कि ये एक्सपायर हो गया, बिकॉज काफ़ी अच्छा था ये फाउंडेशन. अगेन आई वुड नॉट रीपर्चेज दिस. वाई? बिकॉज आई हैव लाइक अ गजिलियन फाउंडेशन ऑलरेडी सिटिंग माय वैनिटी, सो वोंट रीपर्चेज दिस वन. नेक्स्ट आई हैव आर दीज टाइनी सैम्पल साइज फ्रॉम नेचर्स कंपनी अगेन. सो दिस वन इज अ कॉर्न एक्सफोलिएटिंग फेस पैक और आई गॉट 2 of these लाइक सेपरेट मंथ्स में एंड I really like them, but जो grits हैं ना इसके वो बहुत harsh हैं, तो you don't want to rub yourself too strongly. आप हल्के हाथ से करोगे और फिर छोड़ दोगे एज अ फेस पैक. इट इज़ अमेजिंग. तो आई फिनिश दैट अप. एंड दूसरा जो है ये है वनीला वाइटामिनी फेस क्रीम. दिस वन इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स. नाउ यू कैन सी ये ऑलमोस्ट अभी आधा बचा हुआ है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आपको लाइक यू डोंट हैव टू टेक अ लॉट ऑफ इट. थोड़ा सा गोज अ लॉन्ग वे एंड आई स्टॉप्ड यूजिंग इट बिकॉज आई डोंट नो, इट वाज वर्किंग फाइन फॉर मी एंड देन सडनली इट वाजंट वर्किंग फॉर मी. तो मेरे को आई स्टार्टेड टू ब्रेक आउट और पिम्पल्स वगैरह होने लगे, सो आई स्टॉप्ड यूजिंग इट एंड नाउ इट हैज़ एक्सपायर्ड, सो आई हैव टू थ्रो इट अवे. Next are again few mascaras and concealers, and the first one is this Makeup Revolution mascara. This was kind of my first mascara when I started off my channel. I bought a few mascaras and few makeup items from Jabong, so this one was back then. It was decent enough, but whether I'll buy it or not, for sure nahi lene wali main isko dobara, kyunki matlab itna amazing nahi tha. Volumizing mascara tha, but I didn't feel a lot of difference in my lashes, तो इसलिए मैं इसको नहीं खरीदूँगी दोबारा से. Then another one is from MUA. ये brown mascara है. It was pretty good, but then you can set your eyebrows with this, क्योंकि इसका जो wand है ना ये भी काफ़ी छोटा सा पतला सा है. And I did not finish it up. It got expired and that is the only reason I'm throwing it away. Otherwise, brown mascara is kind of a must have in your vanity. तो इसलिए it's just that expire हो गया, इसलिए मुझे फेंकना पड़ रहा है. नेक्स्ट आर टू कंसीलर्स. द फर्स्ट वन इज दिस वन. इट्स ये वाला जो कंसीलर है फैब बैग में मुझे मिला था और ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा भरा हुआ है. एक ये एक्सपायर हो गया है, दूसरा ये ऑरेंज है, लाइक लिटरली ये ऑरेंज है. इट्स नॉट अ कंसीलर, इट्स अ करेक्टर. और तीसरी चीज़ ये कि व्हेन आई अप्लाइड इट ऑन माई अंडर आई, मेरा अंडर आई लिटरली बर्न कर रहा था. आई डोंट नो व्हाट वॉज द इशू, बट माई अंडर आई वॉज बर्निंग. तो मैं इसको इसलिए एक बार के बाद मैं दोबारा इसको यूज़ ही नहीं कर पाई एंड इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट as good as new. तो आई एम थ्रोइंग दैट अवे. एंड नेक्स्ट इज़ द मेकअप रेवोल्यूशन का फोकस एंड फिक्स कंसीलर. दिस डिड नॉट एक्चुअली डू एनी थिंग फॉर माई अंडर आई. कुछ भी नहीं किया, कवर ही नहीं करता था कुछ. आई गॉट दिस वन इन माई फैब बैग. एंड और दूसरी चीज़ यह कि मैंने तोड़ भी दिया है यहाँ से, सो इट गॉट लीक्ड एंड हैंस आई एम थ्रोइंग इट अवे. इट इज़ नॉट फिनिश्ड, बट इट्स जस्ट दैट इट इज़ ब्रोकन. और दूसरा चीज़ इट इज़ बीन लॉन्ग, लाइक मेरे ख्याल से एक्सपायर हो चुका होगा, इसलिए आई एम थ्रोइंग इट अवे. एंड तीसरा, डिड नॉट डू एनी थिंग फॉर माई अंडर आई. सो या, throwing all of those away. Then I have this lemongrass foot spray from Nature's Company. I have a lot of Nature's Company products because I was like crazy for them. Amazing products hote hain unke basically.
नेचुरल होते हैं और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत चीप भी नहीं है, मिडिल रेंज में आते हैं, तो इसलिए आई यूज़ टू यूज़ देम अलॉट. तो ये जो लेमन ग्रे फुट लेमन ग्रास फुट स्प्रे है, दिस वॉज गुड. इसमें बहुत अच्छी सी लेमन फ्रेग्रेंस है. इफ़ यू हैव स्मेली फीट ये आप यूज़ कर सकते हो, एंड इट इज़ प्रीटी डिसेंट. सो आई विल नॉट रीपरचेज इट बिकॉज ये मेरे को तो उनके जो नेचर्स कंपनी का ब्यूटी विश बॉक्स कहते हैं शायद उसको, उसमें आया था. सो आई फिनिश इट अप एंड इट वॉज प्रीटी गुड, बट आई डोंट नीड एक्चुअली. सो ये इसलिए नहीं खरीदूंगी मैं. आई हैव जस्ट हर्ब्स रिजुविनेटिंग ब्यूटी एलिक्सार. आई हैव डन दिस वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग ट्वाइस, लाइक कैन यू बीट दैट, ट्वाइस, एंड दिस वॉज ऑसम. आई हैव फिनिश्ड आई थिंक 2 bottles ऑफ दिस और मे बी 3. दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव. दिस कम्स फॉर ऑलमोस्ट 1000 rupees. तो बहुत एक्सपेंसिव है ये, बट ये बहुत अमेजिंग भी है. आपको कोई भी स्किन इशूज़ है, गो फॉर दिस. स्पॉट ट्रीटमेंट करिए, आप फुल फेस पे लगाइए, मॉइस्चराइजर में मिक्स करके लगाइए. इसमें कोई क्रीम, कोई मॉइस्चराइजर, कोई अल्कोहल कुछ नहीं है. इट्स प्लेन हर्ब्स मिक्स विद वाटर और इसमें पोर कर दिया गया है, तो इसलिए इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी कम है. बट अगर आप इसको यूज़ करते हो, आपकी स्किन फ्लॉलेस, अमेजिंग, ब्यूटिफुल, सब कुछ हो जाती है. सो या आई विल नॉट रीपरचेज इट फॉर नाउ बिकॉज इट्स अ बिट प्राइसी और मैं ऑलरेडी 2-3 bottles फिनिश कर चुकी हूँ. 1000 rupees इज़ यू नो वेरी प्राइसी. सो आई विल नॉट परचेज इट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट राइट नाउ, बट आई माइट इन फ्यूचर इफ आई फेस एनी ऑफ माई फेस प्रॉब्लम्स आई वुड रीपरचेज दिस. Then I finished off few of the deodorants. Some of them I threw away, कुछ मैंने बचा लिए. तो पहला तो है ये La Exotica, like this is from Versace. It's their deo, ये आपको नायका पर मिल जाएगा. This was amazing. It smelled incredible. बहुत ही amazing smell है इसकी. Price थोड़ा सा ज़्यादा है, I think 500 rupees का ही आता है, but smell is amazing और it lasts on you throughout the day. So that is the really that is the best part about it, कि ये पूरे दिन आपके ऊपर रहता है, आप अच्छे स्मेल करते हो. मेरे like I like these kinds of smell. तो this has a very beautiful fragrance. इसमें बहुत सारी और भी fragrances आती हैं, but this one is called La Exotica. I think that's the fragrance name. So yeah, I finished that up. और देख रहा बम्पी हो गई पूरी, मतलब पिचक ही गई है ये. I also finished Oriflame का टेंडरली. आई वोंट रीपरचेज इट दो, मेरे को इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगी थी बिकॉज इतनी जल्दी फिनिश हो जाता है. ये 229 rupees का आता है, ऑफर में आपको 150, 160, 170 तक का भी मिल जाएगा, बट इतनी जल्दी फिनिश हो जाता है. देख रहे हो आप साइज इसका, इट्स रियली स्मॉल, लाइक इट्स वेरी टाइनी. सो आई वोंट रीपरचेज इट, बट स्मेल इज़ इनक्रेडिबल. अगर आप Oriflame कंसल्टेंट हो, इफ यू वॉन्ट टू ट्राई आउट, गो फॉर दिस. अगर ये आपको सस्ते में मिल रहा है सिर्फ तभी, अदरवाइज डोंट बाई इट. और लास्ट जो है ये है Libero का बेबी पाउडर. आई गॉट दिस फॉर माई सन, बट आई नो लॉन्गर यूज एनी काइंड ऑफ बेबी पाउडर्स ऑन हिम, सो ऑब्वियसली वोंट रीपरचेज दिस एट ऑल. और ऑल्सो आई ऑल्सो हैव अ ड्राई स्किन, तो मैं भी जो है ज़्यादा पाउडर्स यूज़ करना प्रेफर नहीं करती बिकॉज और ज़्यादा फ्लेकी, इची और ड्राई हो जाती है मेरी स्किन पाउडर्स यूज़ करके. सो यार, दैट वॉज द लास्ट प्रोडक्ट एंड दैट वॉज ऑल अबाउट माई बाथरूम एम्प्टीज. आई होप यू गाइज इन्जॉयड दिस स्मॉल लिटल वीडियो. I hope that was small. Okay, I hope you guys enjoyed that video. और अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आया है ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और थम्स अप ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो को. और या आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.